हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर। अब एक्सेस के अंदर साथ ही साथ एक सॉफ्टवेयर हम डेवलप करेंगे। आइए देखते हैं सॉफ्टवेयर किस तरीके का। सबसे पहले यहां पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन करेंगे। जब ओपन करेंगे तो सिनेरियो कुछ इस तरीके का आएगा। जब आएगा तो यहां से ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है। हम अपने हिसाब से डेटाबेस को डिजाइन करेंगे, दैट्स व्हाई। और यहाँ पे डेटाबेस का नाम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। एक्सटेंशन आपको दिख ही रहा है, क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो सिनेरियो ऐसा आएगा। व्यू पे क्लिक कीजिएगा। यहां पर इस टेबल को कुछ नाम हमें देना होगा, ठीक है। तो हम इसे प्रोडक्ट टेबल नाम दे देते हैं। प्रोडक्ट टेबल, TABLE, प्रोडक्ट टेबल इसे नाम दे दिया हमने और एंटर कर दिया। तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो। अब ये डिजाइन व्यू में आ गया। देखिए, दो व्यूज आपको दिखाई देंगे, एक डेटाशीट व्यू और दूसरा डिजाइन व्यू, ठीक है। बाकी ये तो पाइवोट टेबल और पाइवोट चार्ट इसमें भी बना सकते हैं। इसके बारे में मैंने वीडियोस बनाई हैं, शायद तो आप उसे देख सकते हैं। चलिए फिलहाल तो ये प्राइमरी की आ गया है। प्राइमरी की कैसे पता चलती है? क्योंकि ये यहाँ पर एक की सी बनी हुई है। और प्राइमरी की का मतलब ये है कि आपने एक बार जो वैल्यू एंटर कर दी वो दोबारा आप एंटर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट आईडी डाल देता हूँ। प्रोडक्ट और यहाँ पे अंडरस्कोर करके आईडी डाल देता हूं। तो ये हो गया प्रोडक्ट आईडी। अब इसे ऑटो नंबर रखा गया, आप चाहे तो इसे टेक्स्ट रख सकते हैं, तो टेक्स्ट रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेम ऑफ प्रोडक्ट। जरा ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये सॉफ्टवेयर आप बना पाएंगे, ठीक है। तो ये कर दिया। अब यहाँ पे प्राइस कर देंगे। प्राइस का डेटा टाइप क्या रहेगा, करेंसी रहेगा। तो यहाँ पे करेंसी कर दीजिए। करेंसी करने के बाद यहाँ पे यूनिट आता है, तो यूनिट यहाँ पर रखिएगा। और यहाँ पे नंबर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नंबर नहीं लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो नंबर डेटा टाइप जरूर ले लीजिएगा। और यहां पर इसे बना दीजिएगा डबल। डबल क्यों बना रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि वो प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हैं या परचेस कर रहे हैं वो डेसिमल में भी, जैसे एक किलो की बात आएगी तो 0.5 kg, तो एक किलो तो हो गया ना, तो इस वजह से पॉइंट में लिख सके, इस वजह से इसे डबल बनाया, ठीक है। अब यहां पर आकर के टोटल करेंगे, ठीक है, टोटल कर दिया। अब टोटल करेंगे तो टोटल के लिए भी हम यहाँ पे नंबर डेटा टाइप रखेंगे। अब चूंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को दिक्कत ये होती है कि 2007 ही वो यूज करते हैं, 2007 इजिली अवेलेबल है डाउनलोड के लिए और आपको 2007 इजिली मिल भी जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस पे ज्यादातर लोग बनाना पसंद करते हैं, यूज करना पसंद करते हैं, तो इसी वजह से मैं इस पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ नंबर कर दिया। नंबर करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे टैक्स रेट आएगा, टैक्स रेट, ठीक है। तो ये टैक्स रेट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये टैक्स रेट किया, तो जो भी टैक्स आपको सेट करना है, जो भी जीएसटी आपको सेट करना है, टैक्स रेट जो भी सेट करना है वो यहां से नंबर करके सेट कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, इसे जरूर डबल बना लीजिएगा, ये डबल बनाना बहुत जरूरी है। और फिर यहाँ फॉर्मेट पे आकर के आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मेट चेंज करना है, परसेंटेज लेना है, ये ले लीजिएगा जरूर। ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे टैक्स अमाउंट आएगा, टैक्स AMOUNT, टैक्स अमाउंट आएगा, ठीक है। टैक्स अमाउंट आए, इसके पहले हमें क्या करना है, इसे नंबर डेटा टाइप बना लेंगे तो टैक्स अमाउंट आ जाएगा। अब हम चाहते ये हैं कि इस प्रोडक्ट पर जो भी इस पे प्रोडक्ट एंटर होगा उस पर कुछ डिस्काउंट भी लगाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर एक इंसर्ट, राइट क्लिक करेंगे ना, ये देखिए, ये रो हेडिंग पे जाकर राइट क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ इंसर्ट रो आएगा। ऊपर एक रो आप चाहे तो इंसर्ट करा सकते हैं, मैंने ऑलरेडी करा रखा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना होगा इन परसेंटेज, कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला, परसेंट, ठीक है। तो ये हमने दे दिया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या रखेंगे, वापिस वही तरीका, यहाँ नंबर रखेंगे, यहाँ इसे डबल बनाएंगे और डबल बना के फॉर्मेट क्या रख देंगे, परसेंटेज रख देंगे। तो यहां से आप कर दीजिएगा फॉर्मेट परसेंटेज, बस इतना ही करना है आपको। अब यहाँ पर एक और हमें चाहिए होगा रो, तो वही तरीका कि राइट क्लिक करके यहाँ से इंसर्ट रो पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट कर देंगे, डिस्काउंट, डिस्काउंटेड अमाउंट, डिस्काउंटेड अमाउंट कर देते हैं, ठीक है। कितना अमाउंट डिस्काउंट हुआ, वो अमाउंट में कितना आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पर भी सेम नंबर डेटा टाइप आपको रखना है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है वो समझा देता हूँ। एक तो टोटल कैलकुलेट करेंगे हम, फिर डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट करेंगे हम, और फिर टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करेंगे हम। ये सारे फील्ड्स इसीलिए लगाए गए हैं क्योंकि इनको कैलकुलेट करना है। और हर में देखिए नंबर ही रखा है हमने। यहां से व्यू पे क्लिक कीजिएगा और यहां से यस कर दीजिएगा। अब ये यस कर दिया, अब यहां पर ये इस तरीके से आपको दिखेगा, ये सिनेरियो कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पे अब एक एक चीज आपको यहाँ पे एंटर करना होगा, ठीक है। तो चलिए आइए एंटर करते हैं और देखते हैं कैसे ये काम करेगा। तो मान लीजिए प्रोडक्ट आईडी है A01, ये प्रोडक्ट आईडी है आपकी। और यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम, जैसे सपोज कीजिए आपने लिख दिया कीबोर्ड, कीबोर्ड, ठीक है।
तो ये कीबोर्ड हो गया। अब यहाँ पे कीबोर्ड की प्राइस है ₹300 प्राइस है। अब मान लीजिए ऐसे ऐसे चार कीबोर्ड आपने परचेस किए तो टोटल आना चाहिए पहली बात फिर डिस्काउंट इन परसेंटेज। अब इस पे मान लीजिए कि 5% का डिस्काउंट आपको मिल गया तो 5% के हिसाब से कितना डिस्काउंट हुआ ये आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे टैक्स रेट आएगा तो इस पे 10% का टैक्स रेट लगा है तो आपको परसेंट लिखने की जरूरत नहीं, परसेंट अपने आप आएगा। बस आपको टोटल कैलकुलेट करना है और डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट करना है और टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करना है, इतना करना है आपको, ठीक है। तो अब चलिए इसको सेव करके और क्या करते हैं, यहां से क्लोज करते हैं ये, ठीक है, ये क्लोज कर देते हैं, सेव रहेगा और क्लोज रहेगा। तो ये टेबल तो यहां पे दिखेगी साइड में, ठीक है। अब यहां से एक क्वेरी बनाएंगे तो क्वेरी के लिए क्रिएट पे जाकर के क्वेरी डिजाइन पे जाना होगा। ये आ गए क्वेरी डिजाइन पर। अब जैसे ही आएंगे ना तो यहां ऐड करवाएंगे, ऐड करवा दिया, ठीक है, और ऐड करवा के इन सारे ही फील्ड्स को लेना होगा तो यहां पर इसको ड्रैग करके यहां लाइएगा तो सारे फील्ड्स आ चुके हैं। पहले तो हम टोटल ही कैलकुलेट करेंगे आपके सुविधा के लिए, थोड़ा सा बेटर लुक आए, आपको सही से समझ में आए, इसके लिए थोड़ा सा इसे मैं जूम कर देता हूं, बड़ा कर देता हूं। अब देखिए यहां पे कॉलन लगाइएगा, दो पॉइंट वाला जो यार है ना इसे कॉलन कहते हैं, बिना इसके आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। और स्क्वायर ब्रैकेट बनाइएगा, स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है। यहां पे क्या करना है, प्राइस को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यूनिट से तो यहां आपका टोटल आ जाता है, ये तो आसान है, ठीक है, ये मैं कई बार बता चुका हूं, ओके कर दीजिए तो ये तो आ गया। अब डिस्काउंट इन परसेंटेज के हिसाब से डिस्काउंट अमाउंट भी आएगा तो डिस्काउंट अमाउंट के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंटेड अमाउंट के लिए यहां पे कर रहा होगा प्राइस, टोटल प्राइस यानी कि टोटल जो आया है ना हमारा टोटल, इसी में से हमें डिस्काउंट देना है तो मल्टीप्लाई बाई डिस्काउंट इन परसेंटेज करना है, मल्टीप्लाई बाई डिस्काउंट ये लिखा इन, जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे ही लिखिएगा, एक भी शब्द इधर उधर होगा, एक भी स्पेलिंग इधर उधर होगी, कैपिटल स्मॉल का भी डिफरेंस आ जाएगा तो ये कैलकुलेट नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है, यही था ना, परसेंट था खाली, तो खाली परसेंट कर देते हैं और इसको बंद कर देते हैं और यहां से ओके कर देते हैं। तो ये भी हो गया, ठीक है। अब यहां पर आएंगे, टैक्स रेट तो दिया ही हुआ है, यहां पर क्या करना है, आप टोटल में मल्टीप्लाई करेंगे किसका, टैक्स रेट का, टैक्स RAT डिस्काउंट अमाउंट तो पहले ही कैलकुलेट कर लिया तो ओके हो गया। अब ये यहां से रन करवाना है आपको, जैसे ही रन करवाएंगे तो सारी चीजें आपको होती भी नजर आएंगी। देखिए कीबोर्ड कितने का था, ₹300 का, कितना परचेस किया, चार, तो कितना टोटल प्राइस हो गया, ₹1200, ठीक है। 5% का डिस्काउंट मिला तो कुल मिला के ₹60 डिस्काउंट हुआ और टैक्स कितना लगा, ₹120, ठीक है। अब हमको ये कैलकुलेट करना है कि डिस्काउंट के बाद जो प्राइस है वो कितनी आएगी तो उसको भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वापस से इसे डिजाइन के ऊपर लेंगे और यहां पर एक और फील्ड हम डालेंगे, जैसे यहां पर आ गए, यहां पे मैं लिखूंगा प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, प्राइस AFTER आफ्टर डिस्काउंट, DISCOUNT, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कर दिया। यहां पे कॉलन लगाइएगा, कॉलन लगाना बहुत जरूरी है, इसके बिना आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया, अब डिस्काउंट के बाद जो प्राइस आएगी वो कितनी आएगी, तो यहां पे देखिए टोटल से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, यहां पर देखिए ये जो आया हुआ है डिस्काउंटेड अमाउंट, इसी को माइनस करना है टोटल से, ठीक है। तो आप डिस्काउंटेड अमाउंट को टोटल से माइनस कर दीजिए, डिस्काउंटेड अमाउंट AMOUNT यही लिखा है तो इसी को हम माइनस कर देंगे टोटल से। अच्छा ये ध्यान रखिएगा कि कैपिटल और स्मॉल जहां भी दिया गया है वैसे ही लिखिएगा, मैं कोई आएगा नहीं, बहुत परेशान करेगा आपको, ठीक है। तो ये जैसे ही हो जाएगा तो ओके कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार चेक भी कर लेते हैं हम कि सही किया कि नहीं, तो डिस्काउंटेड अमाउंट है डिस्काउंट करने के बाद, ठीक है, ये देखिएगा डिस्काउंट करने के बाद ये देना है, ठीक है। तो चलिए इससे तो ये पता चल गया कि किस तरीके से हम डिस्काउंट के बाद प्राइस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ₹1140 यानी अब हमारा टैक्स भी जो लगेगा ना, ये जो टैक्स अमाउंट कैलकुलेट किया वो भी डिस्काउंट के बाद जो प्राइस आ रही है उसी पर लगेगा, ठीक है। तो यहां से इसे डिजाइन व्यू पे ले लेता हूं और फिर यहां पे टैक्स अमाउंट को कैलकुलेट एक बार फिर से देखते हैं कैसे। यहां पे प्राइस आफ्टर डिस्काउंट ये देखिए मैंने लिख दिया है प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, तो यहां पे प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कर देंगे तो सारी चीजें चेंज होती हुई नजर आएंगी आपको। तो देखिए अभी जो किया उसका सिनेरियो ये हो गया कि डिस्काउंट के बाद जो टोटल बच रहा है यानी किस पे लग रहा है, ये जो टैक्स लग रहा है वो ₹1140 पे लग रहा है। ऐसा थोड़ी ना होता है कहीं कि आप परचेस करके ला रहे हैं तो जितने में आप सेल करेंगे उतने ही पे ना आप टैक्स लेंगे कि उससे ज्यादा का टैक्स लेंगे, नहीं लेंगे,
तो जितने में आप सेल करेंगे उतने का लेंगे, तो 1140 रुपए में हमने सेल किया तो 1140 रुपए में ही तो टैक्स लगेगा, तो 1140 रुपए का 10% कितना आएगा 114 रुपए। तो बिल्कुल सही आया हुआ है।